हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के रूम के लिए वॉल क्लॉक की ज़रूरत थी और मैंने ऑनलाइन वन बाय वन बहुत सारी घड़ियाँ देखी, तो मुझे कोई भी घड़ी ऐसी पसंद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी मैं क्या ऐसा घड़ी लूँ जो मुझे अच्छा लगे। फाइनली ये मिक्की माउस वाली घड़ी मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा कि ऐसी घड़ी तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, तो क्यों ना मैं बनाऊँ इसे। तो आप देख सकते हैं, पहले से मेरे पास ऐसी घड़ी थी, नॉर्मल वाइट कलर की घड़ी थी जैसा मिक्की माउस वाली घड़ी में है। और इस घड़ी के अकॉर्डिंग मैंने कार्डबोर्ड लिया था बड़ा सा, और इसको घड़ी को रख करके मैं मेजरमेंट इसका ले रही हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी कि इसके बॉडी पार्ट पूरा मिक्की माउस जो है अच्छे से बन के आएगा। और पेंसिल से मैंने इस पर हल्का सा निशान लगा लिया है, और अब फटाफट से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। और अब देखिए, इस कार्डबोर्ड को मैंने कट कर लिया है। अब इस पर मैं एक चार्ट पेपर चिपका दूंगी। चार्ट पेपर चिपकाने का मोटिव केवल यही था कि इससे जो है जब हम पेंट करेंगे तो खेल के कलर आएगा। अब इसे मैंने फेविकोल से चिपका लिया था। फेविकोल से चिपकाने की वजह से कलर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कुछ कुछ डार्क हो गया है। अब मैं फिर से मैं घड़ी लगा करके इसकी साइज लूँगी कि मिक्की माउस को मैं अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ। तो पहले मैंने घड़ी के साइड साइड में पेंसिल से मार्क कर दिया है, वो शायद आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा है। और मैं बहुत लाइट पेंसिल यूज करती हूँ ड्राइंग करते टाइम, कि इरेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस फ़ोन को, ये मिक्की माउस को मैंने सामने रख लिया है और मुझे इसे देख कर ही ड्राइंग बनानी है। तो स्टार्टिंग मैं इसके शूज़ से कर रही हूँ। घड़ी का निशान बना हुआ आप देख नहीं पा रहे हो, और इस तरीके से एक बनाते हुए बिगाड़ते हुए मेरा मिक्की माउस बन के रेडी है। ये देखिए, पेंसिल को मैंने फिर पेन से इसका आउटलाइन कर लिया था ताकि ये वीडियो में अच्छे से दिख पाए, और मैं इसे अच्छे से कट भी कर लूँगी। और अब मैंने इसे कलर करना स्टार्ट कर दिया है। कलर करने के लिए मैंने फेब्रिक कलर का यूज किया है, और कुछ जगहों पे जहाँ फेब्रिक कलर थोड़े कम पड़ गए तो मैंने बच्चों का जो ट्यूब कलर होता है वो भी यूज कर लिया था, इसलिए फेस वाले कलर में आपको थोड़ी शाइनिंग कम दिख रही होगी। ऑनलाइन घड़ी में तो मंगा सकती थी, लेकिन जो खुशी अपने हाथ से बना करके बच्चों के लिए करने में होता है वो खरीदने में नहीं मिलती वैसी खुशी। अब वैसे भी मुझे क्रिएटिव चीज़ें करने का बहुत शौक है, शुरू से शौक रहा है। अब तो YouTube का प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मैं अपने वीडियोज़ आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरा एकदम वीडियो परफेक्ट ही बनेगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ी सी भी कमी आपको नज़र आती है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं पेंट कर ले रही हूँ। मिक्की माउस के जो नेक के नीचे का पार्ट है उसको मैंने ब्लू कर दिया था, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा ये ब्लू नहीं ब्लैक ही रहता है। उसे बाद में मैंने इम्प्रूव करके उसको ब्लैक भी कर दिया है, आगे के वीडियो में आप देखेंगे। अब ये तैयार है, उसके बाद मैं आउटलाइन करके आपको शो करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये देखिए, आउटलाइन करके मैंने इसको एकदम रेडी कर लिया है, और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। यहाँ जगह ना होने की वजह से मैंने कान को थोड़ा दूर दूर बना दिया था, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं इस कान वाले पार्ट को कट करके एकदम निकाल दूंगी और उसे फिर से उसको सही जगह पे लगा दूंगी। अभी ये पूरा इसे मैंने आराम से कट कर लिया है, कैंची से ही कट किया है। ये देखिए, अब इस कान वाले एरिया को जैसे मैंने बताया था उसको भी मैं कट करके निकाल दे रही हूँ, और उसको फिर बाद में मैं स्टेपलर कर लूँगी सही जगह से। इस तरीके से उसको मैं लगा के मैं चेक कर रही हूँ, अब ये सही है, अब ये स्टेपलर हो गया। अब आप देख सकते हैं ये घड़ी के जो बीच में है मैंने ये निशान लगाया है, वो ये इसलिए लगाया है घड़ी के पीछे इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ था, और इसी में मुझे इस कार्डबोर्ड को सेट करना है मिक्की माउस को। तो ये देखिए, कट करके अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और इस पे जो डबल साइड वाला टेप होता है वो मैं लगा दे रही हूँ ताकि इस पे अच्छे से चिपक जाए, और जब भी घड़ी का सेल वगैरह निकालना हो तो इसे मिक्की माउस जी जो बने हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो।
वो अपनी जगह पे बिल्कुल सेट रहे हैं, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इस घड़ी को मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, कोई ख़ास मेहनत नहीं की है। अब इसे मैं इस पर चिपका दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये घड़ी जो है तैयार है। अब ये मेरे बेटे से मैंने इसे रूम पे लगवा दिया दीवार पे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा हैंडमेड वॉल क्लॉक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट संडे को मैं बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चों के रूम का मेकओवर कैसे किया है, क्या किया है जो बच्चों का रूम मेरा और खूबसूरत लग रहा है और प्यारा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।